एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। नाजरीन, आज महिला विकास मंच तेलंगाना का शपथ ग्रहण समारोह आज एलईडी इनकलाब नारायणगुड़ा में रखा गया, जिसकी जेर निगरानी राकेश जसवाल जामबाग डिवीजन के कारपोरेटर के जेर निगरानी में रखा गया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले महिला विकास मंच के प्रेसिडेंट और महिला विकास मंच के कार्यकर्ता और वहां पे पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए वीना मारुति जसवाल ने तेलंगाना में महिलाओं के साथ नाइंसाफी होने पर उन्होंने कानून के धैर्य में रह के इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जिद्दोजहद का आगाज शुरू कर दिया है। देखते हैं नाजरीन हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन की ये रिपोर्ट। महिला विकास मंच की शुरुआत जो है पहली 1 जनवरी 2022 हमारे साईनाथ जी जसवाल द्वारा हुई है। उन्होंने हम सारी महिलाओं को एकत्रित किया है, हमें जोड़ा है। एक तो हम में से सारी महिलाएँ जो है घरेलू महिलाएँ हैं, कुछ कामकाजी भी है, हमारे लिए ये नया था। लेकिन जैसे कि साईनाथ जसवाल जी ने पहली बार बताया कि हम महिला विकास मंच की शुरुआत करेंगे, तो मैंने YouTube पे महिला विकास मंच को एंटर करके देखा तो वहाँ पर मुझे वीना मानवी जी मिली। उनको देखना, उनसे उनका बोलना, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो सीखते हुए हमने सबसे पहले ये सोचा कि हम महिलाओं को एकत्रित करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक प्रतियोगिता रखी, क्योंकि बिना प्रतियोगिता के कोई हमसे जुड़ने को इतना आसानी से तैयार नहीं था, क्योंकि अभी अभी हमारी संस्था शुरू हुई थी। तो हमने टैलेंटेड बिजनेस वुमेन के नाम से एक प्रतियोगिता शुरू की, जहां पर हमने कई महिलाओं को जोड़ा। उन महिलाओं ने अपने हुनर के बारे में प्रतियोगिता में भाग लिया, आज हम उस पर सबको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। साथ ही हम स्त्री एवं पुरुष समस्याओं या फिर पीड़ित जो भी है उनकी मदद करने, उन्हें सलाह देने, सामाजिक तौर पे हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, आपसे रब्ता करना है तो कैसा रब्ता करना? जी, मेरा नंबर है या फिर साईनाथ काका जी का नंबर है, आप हम दोनों में से किसी का नंबर ले सकते हैं, हम ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हमारा ऑफिस जो है रोजरी कॉन्वेंट एबिट्स पर जो है उसके ऑपोजिट में हमारा खुद का ऑफिस है, वहाँ पर कोई भी आकर हमसे मिल सकते हैं। जॉइनिंग के लिए आईडेंटिटी क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड चाहिए, आप जब ज्वाइन होना चाहते हो तो कंपलसरी आपका एक फ़ोटोग्राफ और आधार कार्ड चाहिए। और जैसे कि कोई भी धर्म से हमारी संस्था नहीं जुड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब महिलाओं एवं पुरुष सबके लिए हम कार्य करेंगे। और हमारा ये तो पहला कदम था, हमने कई इंटरव्यूज़ भी लिए जहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनके बिज़नेस को प्रमोट करने की कोशिश की है, और हमें बहुत सारी सराहना भी मिली है, बहुत लोगों ने हमारी प्रशंसा की है। और आप जैसे कि जानते हैं जहाँ प्रशंसा होती है वहाँ निंदा तो होती ही है, उन निंदाओं का सामना करने की हमें हिम्मत आ चुकी है, उन निंदा करने वालों से भी हमें प्रेरणा मिल रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। मैं साईनाथ जसवाल। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा जसवाल है, मैं एक एडवोकेट हूँ, यहाँ पे हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं इस समाज से जुड़ी हूँ। यहाँ की मैं उपाध्यक्ष हूँ, तेलंगाना महिला विकास मंच की उपाध्यक्ष हूँ। और ये विकास मंच जो बना है वो नारी के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बना है। जो हम नारी के लिए उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके जो भी इश्यूज है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे महिला एकदम बेबाक होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी के दबाव में आकर जो हमको अप्रोच कर सकते हैं, कुछ ही किसी टाइप का भी प्रॉब्लम, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे घर के प्रॉपर्टी का मैटर हो, इनहेरिटेंस का मैटर हो, हस्बैंड वाइफ का फैमिली मैटर हो, बच्चों की कस्टडी का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, लीगल इश्यू जो भी है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में बताना चाहेंगे, उन्हें जागृत करना चाहेंगे कि उनके पास क्या राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकती है। उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आजकल महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में पता नहीं है, लीगली वो लोग अवेयर नहीं है उनके राइट्स के बारे में।
तो हम हाँ उसके बारे में नहीं, नॉर्मल जनरल जो भी होता है, अब कोई सास बहू में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब वो लोग घर में थोड़ा बात करते हैं, सेटल कर लेते हैं। अब देखा गया तो बहू बेचारी छोटी होती है अपने अहदे में, तो वो चुप हो जाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे एट्रोसिटीज़ भी होते हैं, वो बोल नहीं पाती। तो हम लोग उसको, अगर वो हमारे अप्रोच करे तो हम उसको उसके राइट्स के बारे में बताएंगे, वो क्या कर सकती है, कैसे इसको सॉल्व कर सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को लीगल इश्यू ही बनाया जाए या कोर्ट कचहरी किया जाए, उसको काउंसलिंग करके उस कोर्ट जाने से पहले ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैडम, महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है आजकल, जो शोहरा जो जुल्म कर रहे हैं महिलाओं के साथ, जो किसी कोई भी चीज़ को लेकर, जैसा कि पैसा है, जैसा कि कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर आपका क्या राय रहेगी? हाँ, आज हैदराबाद में तो वही चल रहा है। देखिए, जनरली ये जो है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अपनी, कितना भी रहें तो सदियों से चले आ रही है वो परंपरा है, चाहे वो जितनी भी तो उसके लिए काउंसलिंग, और लेडीज़ को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम वो अकेला महसूस ना करे, वो कमज़ोर पड़ जाती है कि अरे मैं अगर आगे बढ़ के जाऊँगी तो कोई मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम लोग हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी के साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, कोई भी लेडी जो बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं पाती, वो हमें अप्रोच कर सकती हैं, हम उनका प्रॉब्लम जो भी है उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मुझे तेलंगाना में ये संस्था गठित करने का मौका मिला है, और हमारे वीना मानवी जी ने इस हमें प्रेरणा, इनकी प्रेरणा से हमने आगे बढ़कर ये काम किया है। और मेरी सारी टीम में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे उपाध्यक्ष अपर्णा जायसवाल जी है, इन्होंने एडवोकेट है हाईकोर्ट, और काफ़ी ऐसे बिजनेस वुमेंस भी है और घरेलू वुमेंस भी है, सब लोग मिलकर हमारी संस्था अच्छे चल रही है। कई हम लोग छोटे मोटे मसले को सुलटाए भी हम लोग, लेकिन हम उनका नाम अभी ऊपर नहीं लाए। हम लोग बोले चलो, जहाँ लोग लो लेवल में काम हो जाता है, हमने उनको वहाँ पर रूप से रखा, अच्छा रख के उनको सेटिस्फाई करके उनका घर बसा दिया हमने। ऐसे आगे और भी हम करेंगे, ऐसी हमारे को प्रेरणा मिली है वीना मानवी जी से। तो हमने हमारे जो भी हैदराबाद में हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं, मेरा नाम साईनाथ जायसवाल है, मेरा नंबर है 9849019311। कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टाइम लिमिट कुछ भी नहीं, 24 आवर्स कभी भी काम। मुझे महिला विकास मंच में आप कितने साल से सर्विस दे रहे हो? मैं तो महिला विकास मंच में तो अभी रिसेंटली 6 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जायसवाल समाज से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। हमने काफ़ी हमारे समाज के भी काफ़ी समस्याओं को सुलटाया, हमने काम किया है, और काफ़ी हम लोग समाज के सबसे काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन ये महिला विकास मंच एक अलग तरह का मंच है, ये सभी धर्मों को साथ में लेकर काम करने का है। तो इसके लिए हमने एक नया काम चालू किया है, इससे हमें बहुत अच्छा प्रेरणा मिल रही है, और हमारा पूरा हम धन्यवाद देते हैं हमारे वीना मानवी जी को और अरुणिमा जी को और हमारे उषा सिन्हा जी को, सब ने मिलकर हमारे को एक प्रेरणा दी कि भाई आप तेलंगाना में भी महिला विकास मंच तैयार कीजिए, और हमने उनसे प्रेरणा लेकर तैयार किया है, और अच्छा सक्सेसफुल काम चल रहा है। काफ़ी लोगों को हमने रोज़गार का भी आयोजन किया है, लोग खुश है, उनका बिज़नेस का प्रमोशन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनका बिज़नेस को भी प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, ऐसे काफ़ी काम चल रहा है। आपकी टीम गवर्नमेंट तेलंगाना से मदद लेंगे या पूरी टीम मिलकर करेगी? अभी हम लोग टीम मिलकर करेंगे, इन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है तो वेल टू डू है, लेकिन हम तो अभी शुरुआत हम अपने लेवल पर कर रहे हैं, आगे जाके हम वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सब धर्मों का काम करना है, तो जब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ। हमारी वाइस प्रेसिडेंट है अपर्णा जायसवाल जी, आपको थोड़ा। मैं त्रिलोकीनाथ की बहू हूँ, मैं पूरा धर्म ही पूरा टैलेंट करती हूँ, मैं मानव सेवा में मैं बहुत खुश हूँ। योगा टीचर हूँ मैं, जानती हूँ महिलाएं जरा उम्र होने के बाद खुद को कमज़ोर समझ लेती है, लेकिन हर उम्र में लेडीज़ को फिट रहना ज़रूरी है। बच्चों के शादियाँ होने के बाद दादी नानी जब बनती है और भी फिट रहना चाहिए, क्यों बोले तो बच्चों को संभालना ज़रूरी है, जब बच्चों को नहीं संभाले तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसलिए मैं योगा टीचर हूँ, अपने महिलाओं को सबको योग सिखाना चाहती हूँ। जायसवाल, महिला विकास मंच की ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ। जायसवाल ज्वाइंट से, मैं रंजीता जायसवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ महिला मंच से, और मैं कई अन्य धर्मों के कार्यों से कार्य करती हूँ। मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ तो मैं ज़्यादा धर्म का प्रचार करती हूँ। महिलाएं किसी हर महिला पर अत्याचार नहीं होता, वो अपने आप से क्रिएट ज़्यादा करती है महिलाएं, और खुद अपने आप से ही लड़ना चाहिए महिलाओं को, वो खुद ही अपने बारे में आकर बोलना चाहिए उन लोगों की, हमारे साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है और हम लोग इस
हमरे के लिए रास्ता देखना गलत है मेरे हिसाब से। तो बाकी चीज़ें नम्रता जायसवाल है, मैं महिला विकास मंच की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम आशा जायसवाल है, मैं महिला विकास मंच की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है, मैं महिला मंच विकास की इंस्टीट्यूट मेंबर हूँ। मैं ऐश्वर्या जायसवाल हूँ, महिला विकास मंच की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरा नाम राधिका जायसवाल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला विकास मंच की। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.